हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने गांव में लोगों का रिएक्शन, क्योंकि पहली बार गांव के लोग देखेंगे कि कैसे मोटो व्लॉगिंग का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो गाइस, आपको दिखाते हैं लोगों का रिएक्शन। तो चलिए, अब आपको मिलने वाले हैं तगड़े रिएक्शन। और मेरे साथ पीछे है अक्षय। क्या ही रिएक्शन था इनका। तो भाई, मैं और अक्षय जा रहे हैं मार्केट। वैसे तो कोई खास ज़्यादा काम था नहीं, लेकिन यार घूमने के लिए ऐसे ही मार्केट निकल गए हैं। अगर कुछ काम होगा तो वो भी करेंगे, वरना खा पी के वापस आ जाएंगे। और तुम बस मौसम चेक करो गाइस, शाम के टाइम का मौसम का ही क्या ही ख़तरनाक हो रखा है इस टाइम। और हवा भी काफ़ी चल रही है, बस बारिश ना आए रास्ते में कहीं। तो भाई, कल भी मैं वीडियो में यही बात कर रहा था कि आप लोग भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने भी अभी स्टार्टिंग की है, अपने फ़ोन से ही मैं जैसे स्टार्ट कर दिया मैंने मोटो व्लॉगिंग करना। तो आप लोग भी अगर आप हफ्ते में दो वीडियो भी डालेंगे तो काफ़ी है। अगर आपके पास उतना टाइम है कि हफ्ते में आप दो वीडियो डालें तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको उस चीज़ का। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मोटो व्लॉगिंग की स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से सोच के बहुत डिले कर दिया कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी जाके मेरे को भी टाइम मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है। और लोगों के रिएक्शन चेक करो गाइस, भाई साहब भर भर के रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। जब कोई देखता है बंदा सामने वाला कि फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, तो अभी ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ। पहली वीडियो से ही मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था कि मोटो व्लॉगिंग में बोलना कितना है, क्या क्या रिएक्शन देना है। तो वो सारी चीज़ें अभी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है मुझे बोलना, लेकिन फिर भी यह है कि कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे जैसे करता रहूँगा तो वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। और हमारी जो मार्केट पड़ती है वो थाना भोनिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों का रिएक्शन देखने में। और बस हम मार्केट पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और देखते हैं कि हमें अगर कोई सामान लेना होगा या कुछ काम होगा तो देखते हैं, नहीं तो फिर अपना कुछ खा पी के वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, कोई सामान वगैरह तो नहीं लेना। लेकिन भाई, घर आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर आने के बाद वापस बिल्कुल भी जाने का मन करता ही नहीं है। घर आते ही मन लग जाता है एकदम से। लेकिन क्या करें भाई, एक दिन की छुट्टी मिलती है और ऊपर से 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो कोशिश करूँगा अगर छुट्टी मिल जाए। और वैसे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा छुट्टी का। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे
अगर छुट्टी मिल जाए एक दिन रेस्ट करके फिर आराम से जाऊंगा वापस। भाई बारिश के टाइम पे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यहाँ आने के बाद। गाड़ी तो भाई सुबह ही धुलवाई थी गाड़ी, लेकिन फिर से वापस से धुलवानी पड़ेगी। कीचड़ वीचड़ लग जाता है, पूरी बाइक गंदी हो जाती है बहुत सब, मतलब इतनी गंदी लगती है देखने में तो बहुत ज़्यादा। और अगर मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को अपने काम के बारे में बताऊँ तो कल की वीडियो में भी नहीं बोल पाया मैं, तो चलो आज की वीडियो में बता देता हूँ। मैं यमुनानगर में जो काम करता हूँ, मैं एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ पे जॉब करता हूँ। अगर भाई कभी भी आप लोगों को लगे आपको आई टेस्ट कराना हो या कुछ भी कराना हो तो भाई यमुनानगर ज़रूर आए, तो अपने भाई को कमेंट करके बताएं। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सजेशन देंगे और आई टेस्टिंग वगैरह भाई आप लोगों की अच्छे से करेंगे मन लगा के। मैं मतलब लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ जो, वैसे तो वहाँ पे यमुनानगर में 1.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वैसे पहले काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ लगभग 2020 से। और ये देखो भाई जुलनायक से तुझे अक्से को जलाना पड़ेगा इसमें। ओ भाई हम पहुंच गए हैं थाना भवन, बस मार्केट थोड़ा ही दूर है यहाँ से। थाना भवन में एंट्री हो चुकी है और अभी मार्केट की तरफ जाने वाले हैं, तो देखते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार। चले भाई मोमोज खाते हैं। अबे मोमोज खाओगा क्या है? ये रखी तो दिक्कत भाई, स्टीम वाली है क्या मोमोज? अच्छा उसके देखा है एक बार वहाँ। भाई ये स्टीम वाली है मोमोज, स्टीम वाली मोमोज ना वहाँ तो कहाँ आग गए। तो आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट के अंदर घुमाते हैं। मिल गई भाई फाइनली स्टीम वाली मोमोज मिल गई।